और भाई कैसी है पब्लिक। सो आज भी मेरे पास काफी सारी न्यूज हैं, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ओके देन बात करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की, जो कह रही टेक्नो गेमर्स को लेके। सो इनका माइनक्राफ्ट हाइड एंड सीक का हमें सिर्फ एक ही एपिसोड देखने को मिला था और उसको आए भी करीब 9 महीने हो गए हैं, और ये पार्ट इतना इंटरेस्टिंग था कि सभी लोग इसके पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं। और जब रिसेंटली उज्जवल भाई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो उस टाइम भी काफी सारे लोग इसके पार्ट 2 के लिए स्पैम करने लगे, और उस टाइम उन्होंने बोला था कि उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट वगैरह तैयार कर ली है और अब बस इसकी रिकॉर्डिंग करनी बाकी है। तो देखो तुम लोग वो क्या बोले। पार्ट 2 भाई, हाइड एंड सीक का पार्ट 2 आएगा, एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता, बट उसमें बनाएंगे प्रॉपर प्लान, सब कुछ एकदम मस्त है, स्क्रिप्ट फुल रेडी है, बस बनाना है। ओके देन बात करते हैं आप अगले न्यूज की, जो कह रही सनपाई स्पाइडर को लेके। तो कल फाइनली इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, और इन्होंने कल 3 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग भी करी थी, 1 लाख सब्सक्राइबर्स जब तक नहीं हुए थे। और जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए तो उनका क्या रिएक्शन था, ये आप लोग खुद देख लो। यस यस यस, डिस्कॉर्ड पे भी शेयर करो, देख लो। यस 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 गाइस, वेरी क्लोज, लेट्स गो। यस यस ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स, लेट्स गो यो। एक बार हो जाए वापिस कभी ना जाए तुम्हारे महाकाल। अरे भाई, यस भाई, 1 लाख, लेट्स गो। और उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी करी, थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर सब्सक्राइबिंग टू मी, मेरी पूरी जिंदगी का आज सबसे बेस्ट डे है, ऐसे ही सपोर्ट देते रहना और मैं मस्त कंटेंट बनाता रहूंगा। तो सैनपाई भाई को मेरी तरफ से भी ह्यूज कॉन्ग्रेट्स। ओके देन बात करते हैं आप अगले न्यूज की, जो कैरी इट्स अली प्लेस को लेके। सो ये RRSMP के मेंबर हैं, और कल इनके चैनल पे कंप्लीट हो गए हैं 2K सब्सक्राइबर्स, और इन्होंने इस पर रिएक्ट करते हुए एक कम्युनिटी पोस्ट भी करी, गाइज थैंक यू सो मच, वी जस्ट हिट 2K बिकॉज ऑफ यू गाइज, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, नेक्स्ट गोल 3K। So, हाँ, मेरे तरफ से भी इनको ह्यूज कॉन्ग्रेट्स। ओके देन बात करते हैं आप अगली न्यूज की, जो कैरिस पंकी ओपी को लेके। सो जैसे कि मैं आपको रिसेंट वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि इनकी स्पोटू 66 के साथ कंट्रोवर्सी हो गई है, और शायद से इन्होंने इलाइट SMP को लीव भी कर दिया है, और अब इन्होंने अपनी न्यू वीडियो से रिलेटेड एक कम्युनिटी पोस्ट करी, न्यू वीडियो दिस संडे विद इनक्रेडिबल प्लेस। और जैसे कि आप लोग पोस्ट में देख ही सकते हो कि ये 1 ब्लॉक का मैप है और इनका 100 डेज इन 1 ब्लॉक का वीडियो आने वाला है। ओके देन बात करते हैं आप अगली न्यूज की, जो कैरे बल्कि स्टार को लेके। सो आज इनका कोई बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है, जिसके बारे में इन्होंने कल पोस्ट करके बताया था, टुमारो इज द डे 14 अप्रैल, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एवर ऑन दिस चैनल, आई डोंट रियली ग्रेट अननेसेसरी हाइप, सो ये बी रेडी। ओके देन बात करते हैं आप अगले न्यूज की, जो कह रहे यूक प्लेस को लेके। तो इनके करंटली समथिंग 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और ये काफी क्लोज है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के, और इन्होंने कल जो वीडियो डाला था ये वाला, इसमें उन्होंने इस पर रिएक्ट भी किया और बोला कि जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दो, और 1 मिलियन के बाद काफी कुछ यूनिक आने वाला है उनके चैनल पे। तो हाँ, बाकी तुम लोग खुद देखो वो क्या बोले। जानने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ब्रो क्या कर रहे हो यार, हम इतने क्लोज पहुंच के जा रहे हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के, अब कितना इंतजार करवाओगे, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि 1 मिलियन के बाद चैनल पे बहुत कुछ नया नया आने वाला। और वहीं पर इन्होंने कम्युनिटी पोल डाला, व्हेन डू यू वॉच यूट्यूब, और 59% ऑडियंस ने मॉर्निंग वोट किया, और वहीं पर वोल्ट 18 ने भी सिमिलर पोल डाला, विच टाइम डू यू लव टू वॉच यूट्यूब एंड वॉन्ट मी टू अपलोड, और ऑडियंस ने 86% आफ्टरनून को वोट किया। बाकी आप लोग क्या चाहते हो कि मैं किस टाइम पे वीडियो अपलोड करूं, मुझे भी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। ओके देन बात करते हैं आप अगले न्यूज की, जो कह रहे टोटल गेमिंग को लेके। सो इन्होंने कल एक ट्वीट किया, ये फैंटेसी ऐप पे टीम बना के IPL देखने वाले किसी टीम के नहीं होते, डैश वालों के साथ कभी मैच मत देखो, धोनी खेलता तभी भी रोते हैं, हमारी टीम में नहीं था, बॉलर आके 50 रन मारेगा, ऐसा वेट करके हम जैसे लोगों का IPL देखने का एक्सपीरियंस खराब करते हैं। बाकी जो भी फैंटेसी ऐप पे टीम्स बनाते हैं उनके लिए मैं सिर्फ यही बोलूंगा, तुमसे ना हो पाएगा। ओके देन बात करते हैं आप लोग अगले न्यूज की, जो कह रहे अनबॉर्न स्काई को लेके। तो जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि इन्होंने अपनी अनबॉर्न SMP को रिस्टार्ट कर दिया है, और अब इन्होंने अपने दूसरे चैनल पे न्यू इलाइट SMP वीडियो और अपनी न्यू SMP के बारे में एक कम्युनिटी पोस्ट करी। तो गाइज मेन चैनल अनबॉर्न स्काई पे कुछ न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, अगर आपको पसंद आता है तो जरूर देखना, बाकी इलाइट SMP का वीडियो संडे को आ रहा है। ओके देन बात करते हैं आप लोग अगले न्यूज की, जो कह रहे एंड्रू बी को लेके। तो आपको पता ही होगा कि ये अपनी ज्यादातर वीडियोस में ब्लैक टी शर्ट पहने रहते हैं, और इनको काफी सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि वो सिर्फ एक ही टी शर्ट पहने रहते हैं क्योंकि वो नहाते नहीं है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में एंड्रू बी ने अपनी कल वाली वीडियो में रिएक्ट किया और क्या बोला, ये आप लोग खुद देख लो। तुम लोगों का एक और वीडियो में, एंड कौन कह रहा था कि मेरे पास सिर्फ एक टी शर्ट है। मैंने लिटरली देखा, कुछ लोग बोल रहे थे मैं नहाता नहीं हूँ क्योंकि मैं सिर्फ वो काली टी शर्ट पहना रहता हूँ।
तो आज इसीलिए मुझे चेंज करनी पड़ गई यार। वो एक टी शर्ट भी नहीं है मेरे पास, काली काली बहुत सारी टी शर्ट है, तो मैं कैसे समझाऊंगा। एंड या मैंने अपने बाल भी कटवा दिए है, एक तो इतने छोटे छोटे कर दिए, देखो तुम इतने छोटे कोई करता है, बट ठीक है जो हो गया वो हो गया। एंड अभी इसी नए लुक के साथ हम लोग मीम रिव्यू करने वाले हैं। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है मैं चोमूसा लग रहा हूँ। तुम लोग मीम से ज्यादा तो मेरे को देख के हंस सकते हो, है ना? ओके दन, बात करते हैं आप लोग लिए न्यूज की जो कह रही है एसजीओ को लेके। तो कल एसजीओ का न्यू वीडियो आया ड्रीम बॉय के साथ, जिसमें वो कार्टून का टियर लिस्ट बना रहे थे। और इसी वीडियो के लास्ट में एसजीओ ने बोला जब से हर वेडनेसडे को उनका एक टियर लिस्ट वीडियो आएगा, और इसके लिए आप लोग भी उन्हें सजेस्ट कर सकते हो। तो देखो आप लोग वो क्या बोले। That was हमारी cartoons की tier list. So hopefully तुम लोग enjoy किया होगा। अब से हर Wednesday हम लोग कुछ ना कुछ tier list करेंगे। वो क्या होगा तुम लोग भी decide कर सकते हो, even तुम लोग बना के हम लोग को भेज भी सकते हो। That will be super super awesome. Okay then, बात करते हैं आप लोग के लिए news की जो कह रहे हीरो ब्रेन SMP को लेके। So जैसे कि आपको पता ही है कि Techno Gamers ने officially announce कर दिया है अपनी इस वाली वीडियो में कि हीरो ब्रेन SMP close हो चुकी है। But बीच में एक न्यूज आई थी कि बाकी members इसे दोबारा से start करना चाहते हैं, मतलब इसका सीजन 2 लाने वाले हैं। बट उसके बाद हमें किसी भी मेंबर की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिला। और कल जब बिक्षु अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, तो उसमें किसी ने उनसे हीरो ब्रेन एसएमपी के बारे में पूछा कि क्या इसका सीजन 2 आएगा, तो उस पर बिक्षु ने काफी सैड रिप्लाई किया। तो देखो तुम लोग वो क्या बोले। एसएमपी का क्या हुआ भाई? भाई मैं यहाँ पे अभी एसएमपी की बातें नहीं करने आया, मैं यहाँ पे बस एंजॉय करने आया हूँ। भाई मेरे को बार बार बीटी मत दिया करो यार एसएमपी का पूछ पूछ के। नहीं पता मेरे को, आई हैव नो आइडिया, प्लीज मेरे को आज के बाद मत पूछना प्लीज एसएमपी का, प्लीज प्लीज प्लीज। बाकी आप में से कौन कौन चाहता है कि हीरो ब्रेन एसएमपी का सीजन 2 आए, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। ओके देन, बात करते हैं आप अगले न्यूज की जो कह रही लापता एसएमपी को लेके। तो लापता एसएमपी के सीजन 4 का एंड काफी जल्द होने वाला है, और सीजन 5 स्टार्ट होने वाला है। बट सीजन 4 कब एंड होगा, तो इस पर शुभम एमसी जो कि लापता एसएमपी की न्यूज देते हैं, उन्होंने इस न्यूज को कवर किया है। तो मैं आपको उनकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूं। तो बात कर लेते हैं हमारी सबसे पहली न्यूज के ऊपर जो कि निकल के आती है लापता एसएमपी को लेके। मैं से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं बहुत सारे लापता एसएमपी क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में कि लापता का सीजन 4 कब एंड होगा, कितनी तारीख को एंड होगा। तो मेरे को पता लग चुका है कितनी डेट को एंड होगा। वो अभी पीएचडी भाई ने उनके डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर 2 दिन पहले एक टॉक शो करा था, और उस टॉक शो के अंदर उन्होंने कंफर्म डेट बता दी थी कि 20 तारीख को है ना सीजन 5 स्टार्ट होगा, मतलब कि सीजन 4 को एसएमपी बंद हो जाएगी और सीजन 5 में खेलना स्टार्ट होगा 20 तारीख। एंड गाइस इसी टॉक शो के अंदर पीएचडी भाई ने बताया था कि उनकी जो नेक्स्ट वीडियो वो चड्डी गैंग को लेकर आएगी, मतलब कि जो चड्डी गैंग का पार्ट 2 आने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी पीएचडी भाई। ओके देन, बात करते हैं आप लोग अगली न्यूज की जो कह रहे रोनी को लेके। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये गोवा गए थे, बट जब कल ये घर वापस आ रहे थे और प्लेन में थे, उनके साथ एक अजीब सी चीज हो गई। तो ऐसा क्या हुआ ये आप लोग खुद देख लो। ऑलराइट गाइस, मुंबई पहुंच चुके हैं, पर ये देखो ये इसको क्या लग रहा है, इसको इसको ये यूएस लग रहा है, ये दिखा रहा है अपन यूएस पहुंच चुके हैं। ये कौन सा यूएस है बे, मुंबई ले आया ना मेरे को, कहीं और लेकर नहीं आ गया ना प्लेन वाला। ओके सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।